हेलो स्टूडेंट आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम व्हाट इज द माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम द डी एन इज प्रेजेंट इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कार्ड द माइट्रोकॉन्ड्रियल डी एन ए तो यहाँ पे माइट्रोक्रियल डीएनए क्या है क्या एक्सप्लेन कर रहा है माइट्रोक्रियल डीएनए इसको शॉर्ट में एम डीएनए कहते हैं तो माइटोकांड्रियल डीएनए क्या है सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स जीनोम है तो जीनोम दो तरह के हो गए एक तो आपका मेन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और दूसरा जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें जो डीएनए पाया जाता है उसके लिए है तो दो तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें कि डीएनए पाया जाता है एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड माइट्रोकॉन्ड्रियाल डीएनए और दूसरा क्या है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाता है और दोनों का एक पार्टिकुलर फिक्स पाथवे के लिए एक आपका जो है एटीपी जनरेट कर रहा है यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें भी पढ़ते हैं आप लोग इसमें भी पढ़ते हैं या फोटो सिंथेसिस का काम तो एक एक जगह फूड सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे जो भी केमिकल या जो भी इंजाइम्स जरूरी है वो सब माइट्रोकार्डियल जीनोम में वो इंक्लूडेड होता है तो माइट्रोकारल जो डीएनए है माइट्रोकारल डीएनए इज द स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड द माइट्रोकार्ड्रिया दीज ऑर्गे फाउंड इन सेल्स हैव ऑफेन बीन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल तो जो माइटोकांड्रिया का डीएनए है वो कैसा है स्मॉल सर्कुलर जस्ट लाइक प्रो कैरियाटिक सेल्स और ये क्या काम करता है पावर हाउस ऑफ द सेल है सेल का जो भी एटीपी सिंथेसिस करता है वो माइटोकांड्रिया में ही होता है द माइट्रोकार एंड माइट्रोकार डी एन आर पास्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर टू ऑफ स्प्रिंग थ्रो द एक सेल्स दैट इज द मैटरनल इनहेरिटेंस तो जो माइट्रोकारल जीनोम है माइट्रोकारल जीनोम ये एक तरह का क्या है मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है कि जो सिर्फ मदर से मदर से उसके सन और डॉटर दोनों में जो इनहेरिटेंस हो रहा है मदर द्वारा हो रहा है फादर का जो जीनोम है ये मेन जीनोम सिर्फ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है तो जो माइट्रोकारियल जीनोम है चूँकि साइटोप्लाज्म माइट्रोकारिया रहता है इसलिए ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है दैट इज़ द मैटरनल इनहेरिटेंस तो यदि कोई इसमें आपका कोई एबनॉर्मलिटी है माइट्रोकारियल डीएनए में यदि मदर में वो सिम्टम है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो भी चाइल्ड है उसमें जाएगा लेकिन यदि फादर में कोई एबनॉर्मलिटी है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा दैट इज द मैटर्नल इन्हेरिटेंस का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं म्यूटेशन है जो भी चीज है तो जो माइट्रोकारडिया डी एन ए जो आपका है वो तो कैसा है जैसे कि प्रो कैरिया प्रो कैरियाटिक सेल में जैसे कि सर्कुलर डी एन ए होता है उसी तरह से माइट्रोकारडिया में भी जो डी एन ए पाया जाता है वो तो कैसा डी एन ए सर्कुलर डी एन ए है तो माइट्रोकार्डिया जिन्होंने बहुत ही पहले सिक्वेंस हो चुका था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत लेट में सीक्वेंस हुआ लेकिन जो कि बहुत ही ए, एक ही सर्कुलर कोमोसम इसलिए इसके सिक्वेंसिंग बहुत आसान था इसलिए सबसे पहले ह्यूमन जीनोम का के जगह माइट्रोकारल जीनोम की सिक्वेंसिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी द कम्प्लीट सिक्वेंसिज ऑफ द ह्यूमन माइट्रोकारडियल जीनोम हैव नोन फॉर ओवर ट्वेंटी ईयर्स दैट इज द एनसन एंडरसन एट ऑल इन नाइनटीन एट्टी वन तो माइट्रोकारडियल जीनोम को सबसे पहले एंडरसन ने इसको सीक्वेंस किया एंड जस्ट अबाउट 16,569 बेस तो माइट्रोकारडिया का जो जीनोम है उसमें कितना क्रोमोसोम है 16,569 सिक्स फाइव सिक्स बेस पेयर इतने ही का ही टोटल आपका माइट्रोमो सिक्सटीन टोटल जो डीएनए का बेस पेयर है वो माइट्रोकारडिया में इतना बहुत ही कम बैक्टीरिया से भी कम इसमें है इसमें से एंड इनकोडिंग तो जो आपका वन सिक्स फाइव सिक्स नाइन बेस पेयर है माइट्रोकार में उसमें थर्टी सेवन को इनकोड कर रहा है जिसमें थर्टीन ऑफ डीज कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स जिसमें से कि तेरह जो आपका जीन है वो किसके लिए है रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स के लिए है जो उसके सब यूनिट बनाएगा दो जो है राइबोसोमल आर के लिए है और ट्वेंटी टू जो जीन्स है वो किसके लिए है ट्रांसफर आर जो आपका एसिड को ट्रांसफर करता है टी आर उसके लिए एंजाइम है ट्वेंटी टू ट्रांसफर आर एन ए या टी आर नि. तो थर्टी सेवन जीन्स है टोटल उसमें से ट्वेंटी थ्री आपके रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स के लिए हैं टू जो है आपका राइबोसोमल आर एन के लिए है एंड ट्वेंटी टू कितना है टी आर एन ए के लिए टोटल कितने हो गए थर्टी सेवन जी तो माइट्रोकार बहुत ही स्मॉलर सर्कुलर क्रोमोसोम है जो कि माइट्रोकार के अंदर पाया जाता है और इसका मेन काम क्या है कि जो भी रिस्पारेटरी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं जो ई टीपी सिंथेसिस जिस प्रोसेस से हो रहा है उस प्रोसेस में जो मेन इंजाइन हैं वो आपके इसी माइट्रोकार जिन्होंने से सिंथेसिस होते हैं बनते हैं जो कि थर्टी नंबर में है तेरह रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स के लिए जीन है दो जीन आपका राइबोसोमल आर के लिए है और ट्वेंटी टू जीन्स किसके लिए टी आर के लिए ट्रांसफर आर के लिए और टोटल मिल करके आपका थर्टी सेवन जीन्स बनता है तो इस फीगर को यदि आप देखेंगे यहाँ पे जो एक फिगर बना हुआ है ये फिगर आपको डिटेल एक्सप्लेन करता है ये आपका जितने जीन्स है उसको तो हम इसमें इस डायग्राम में, इस में दिखा नहीं सकते हैं लेकिन आपका एक सर्कुलर जो आपका डीएनए है इसमें जो मेन मेन जीन है उसी को हम लोग यहाँ पे जो है शो कर रहे हैं जो जो मेन आपका कोड कर रहा है ये वन सिक्स फाइव सिक्स नाइन का सर्कुलर क्रोमोसोम है इसमें आपका यहाँ पे जो जीन है साइटोक्रोम बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव यस आर एन ए यहाँ पर रायो समल आर एन ए थोड़ा तो डिफरेंट होता है और इसके बाद है सिक्सटीन यस आर आर एन ए तो हम लोगों के इसमें अलग अलग आर एन ए होता है यहाँ पर भी डिफरेंट आर एन ए है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एस आर एन एंड सिक्सटीन एस आर आर एन ए और यस yes क्या है व्हाट इज़ द यस यस जो है दैट इज़ द जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव यस या फिर आप सिक्सटीन यस तो यस क्या है दैट इज द वर्ग स्वीडवर्ग वर्ग यूनिट ये एक तरह का यूनिट यस क्या यूनिट है इसको हम लोग क्या कहते हैं सिड वर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन तो ये यस एक यूनिट है इकाई है और एक सीड वर्ग यूनिट कितने के बराबर होता है टेन टू द पावर माइनस जो है थर्टीन सेकेंड ये मतलब टाइम डिपेंडेंट यूनिट है इतना जो है आपका एक सिद्धवर्ग यूनिट के इक्विवेलेंट होता है तो जो भी आपका राइबोसोम है तो इसलिए हम लोग जैसे सिक्सटीन यर्स दिखाते हैं या आपका एट्टी ईर्स राइबोसोम है तो राइबोसोम जो है वो एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कार्ड दस या उसको कहते हैं क्योंकि सीडवर्ग ने इसको डिस्कवर किया था तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया सीडवर्ग यूनिट दैट इज कार्ड आल्सो कार्ड द सेडिमेंटेशन कोफिशियन और ये सेडिमेंटेशन मीन्स होता है जैसे कि अब जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज में किसी भी चीज को डालते हैं तो जैसे ये आपका कोई पार्ट है तो इसको आप ब्रेक करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशियन स्वीड वर्ग यूनिट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप चाक ले लीजिए तो चाक को तोड़ेंगे तो कितना सेकेंड लगेगा बहुत ही कम पॉइंट वन सेकेंड या पॉइंट टू सेकेंड में आपका टूट जाएगा उसी जगह आप उतना ही मोटा यदि आप लकड़ी तोड़ते हैं तो उसमें आपको मान लो एक मिनट लगता है वो उतना ही मोटा यदि आप लोहा का राड ले लें तो कितना मिनट लगेगा हाथ से नहीं टूटेगा उसके लिए फिर आपको मशीन से उसको कट कर करना पड़ेगा तो सीडवर्क यूनिट वही चीज़ है कि सेल जब हम किसी भी सेल को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए डालते हैं तो जो जो डिफरेंट पार्टिकल्स जिस टाइम पे अलग अलग होते हैं वो उसका क्या होगा सिडिमेंटेशन कोफिशेंट कहलाता है तो जो राइबोसोम है वो बहुत ही कम समय में बहुत शार्ट टाइम में जो है वो अलग हो जाता है सेल से इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं सिडिमेंटेशन कोफिशेंट या अब यहाँ पे आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव एस आर एन ए हो गया सिक्सटीन जो है यस आर आर एन ए हो गया इसके बाद आपका यहाँ शुरू होता है फर्स्ट में एन डी वन यहाँ पे एन डी वन एन डी टू कोंजाइम वन कोइंजाइम टू ए टी पी एट ए टी पी सिक्स कोइनजाइम थर्ड एन डी थ्री एन डी फोर एल एन डी फोर एन डी सिक्स यहाँ पे ये यह है एनडी जो आपको ए कोंजाइम वन को एंजाइम टू ए, को इंजाइम के लिए है को इंजाइम थ्री यहां पे एनडी वन एन डी टू एन डी सिक्स है वो आपका क्या है वो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स होते हैं जो उसके लिए है यहाँ पे द जीन्स इन द जीनोम इज मच मोर क्लोजली पैक्ड देन द न्यूक्लियस जीनोम जो माइट्रोकारियल का जीनोम है उसमें जो जीन्स पाए जा रहे हैं वो बहुत ही आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड हैं इन कंपेयर टू न्यूक्लियस जीनोम न्यूक्लियस में बहुत स्प्रेड में रहता है बहुत गैप रहता है लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है बहुत ही एकदम हाईली पैक्ड है दे डू नॉट कंटेन द इंट्रांस और जो माइट्रोकारियल का जीनोम है उसमें इंट्रांस नहीं पाए जाते हैं इसलिए वो उसके जो जीन्स हैं वो पैक ज़्यादा होते हैं द ह्यूमन माइक्रोकारियल जीनोम इज स्माल विथ लिटिल स्पेस एंड द एब डायग्राम जो भी डायग्राम आपको शो कर रहे थे शो दैट ए टी पी सिक्स एंड ए टी पी एट जीन्स कोड फॉर ए टी पी ए सब यूनिट सिक्स एंड एट तो जो आपका इस डायग्राम में ए, दो है ATP and ATP ए टी पी सिक्स एंड ए टी पी एट ये जो जीन्स है एक किसके लिए कोट कर रहा है ए कोट कर रहा आपका जो इंजाइम है ए टी पी ए टी पी एस के जो सिक्स यूनिट है और जो एट यूनिट है उसके लिए है को इंजाइम वन एंड को इंजाइम टू एंड को इंजाइम थ्री ए जो तीन आपके इंजाइम हो कोंजाइम वन एंड को इंजाइम टू और कोंजाइम थ्री ए साइटोक्रोम सी जो कि आपके ऑक्सीडोटी फास्फोरिलेशन में वो लास्ट की तरफ आता है जब आपका क्रेप साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेश जहाँ पे ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है उसके साइटोक्रोम सी में ऑक्सीडेज सब यूनिट जो आपका वन है टू है एंड थ्री साइटोक्रोम बी जीन फॉर द एपो साइटोक्रोम बी तो और जो एन डी से एन डी जो कि वहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में जीन फॉर द एन ए डी एच डी तो यहाँ पे जो आपका है एन डी वन टू और थ्री फोर यहाँ पे फोर यहाँ पे सिक्स ये क्या है ये डी हाइड्रोजेज जो कि ये भी आपके उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है एन ए डी एच डी हाइड्रोजेज और इसके साथ साथ द रिमेनिंग ये तो आपका थर्टी सेवन जीन्स जो माइट्रोकारडिया में कोड है वो हो गया लेकिन इस थर्टी सेवन जीन से ही पूरा माइट्रोकिया वर्क नहीं करेगा इसके लिए और हमको जीन की ज़रूरत रहती है मेन जीन आपका जो रिस्पायरेटरी चेन में यूज हो रहा है वो तो हमको वहाँ से मिल जा रहा है लेकिन उसके बाद जो उसको और जो जीन चाहिए वो आपके टोटल कितने? 74। सेवेंटी फोर द रिमेनिंग सेवेंटी फोर पॉलीपिप्टाइड्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कॉम्प्लेक्स आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीनोम तो माइक्रोकारल जीनोम पूरी तरह से जो है वो जितना भी जरूरी इंजाइम्स हैं आपके फास्टफोट में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबको नहीं बना रहा है उसमें से थर्टी सेवन बना रहा है लेकिन आपका जो सेवेंटी फोर है वो आपके जो मेन न्यूक्लियर जीनोम वहाँ से बन है इसीलिए माइट्रोकारिया को हम लोग क्या कहते हैं दैट इज़ कार्ड द सेमी ऑटोनामस ऑर्गेनिस्ट पूरी तरह से ऑटोनामस नहीं है ऑटोनामस होता जैसे हम लोग कॉलेज ऑटोनामस है तो ऑटोनामस होता तो सारा काम अपने से जो भी उसके अंदर जो भी इंजाइम्स हैं सब खुद बनाता लेकिन ऐसा नहीं है आधा तो बन रहा है वहाँ पे माइट्रोकार के का अंदर लेकिन आधा जो इंजाइम्स हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके वो न्यूक्लियर जीनोम से सिंथेसिस होकर उसमें जा रहे हैं इसलिए माइटोकांड्रिया को हम लोग जो है सेमी ऑटोनस ऑर्गनल्स भी कहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से जैसे एक डिवीजन हो रहा है सेल डिवीजन हो रहा है तो माइटोकांड्रिया भी डिवाइड करेगा तो माइटोकांड्रिया डिवीजन करता है लेकिन उसके लिए जो आपको निशेसरी इंजाइम्स चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा न्यूक्लियर जीनोम से मेन जो आपका है ईच माइट्रोकारडिया में है सेवरल कॉपीज ऑफ द सिंगल माइटोकांड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल एंड सर्कुलर डीएनए तो जो आपका एक माइटोकांड्रिया है उसमें उस माइटोकांड्रियल डी एन ए का एक ही कापी नहीं है कई सारे कापीज है सेवरल कॉपीज ऑफ द सिंगल जो एक ही तरह का जो सिंगल सर्कुलर जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये जो डायग्राम है आपका इसी सर्कुलर जो डीएनए है इसी सर्कुलर डीएनए के कई कॉपी माइट्रोकार्डिया में है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हम इंजाइम को सिंथेसिस कर सकें ईच तो माइट्रोकार में है भी सेवरल कॉपीज़ ऑफ द सिंगल माइट्रोकारल मालिक्यूल एंड द सर्कुलर डी एन ए द माइट्रोकार जीनोम हैज ए वेरी हाई म्यूटेशन रेट हम चूंकि का काफ़ी कॉम्पैक्ट है काफी कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पे इंट्रॉन भी नहीं है तो इससे क्या होगा जो म्यूटेशन का रेट होगा म्यूटेशन का रेट है वो काफी है हाई टेन टू 17 फोल्ड टेन टू 17 फोल्ड हायर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर जीनोम न्यूक्लियर जीनोम से टेन टू सेवेंटीन टाइम ज्यादा है इसका रीजन ये है कि जो मूलर ने म्यूटेशन रेट बताया था उन्होंने कहा कि म्यूटेशन रेट क्या होता है टेन टूथ पावर माइनस सिक्स पर जनरेशन ये म्यूटेशन का रेट मॉर्गन ने बताया था मूलर ने सॉरी मूलर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि टेन टुथ पावर माइनस सिक्स पर जनरेशन मतलब हर एक जनरेशन में म्यूटेशन का रेट क्या होगा टेन टूथ पावर माइनस सिक्स तो हमारे केस में जो आपका न्यूक्लियर जीनोम है वहाँ पे नाइनटी सेवन परसेंट आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो इसमें म्यूटेशन होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिर्फ तीन परसेंट आपका क्या है कोडिंग है तो यहाँ पे जीन का परसेंटेज बहुत कम है इसलिए म्यूटेशन का रेट भी यहाँ पे कम होगा यहाँ पे कोडिंग सिक्वेंसेज ज्यादा है इसलिए यहाँ पे म्यूटेशन का रेट आपका नॉर्मल से टेन टू 10 टू सेवेंटीन फोर ज्यादा है कुछ ये तो माइट्रोकारल का हो गया कि माइट्रोकारियल जो जीनोम है उसका बहुत ही शार्ट है कॉम्पैक्ट है इसमें थर्टी सेवन मेन जीन्स है जो कि माइट्रोकार्डियल डीएनए पाए जाते हैं एक माइट्रोकार्डिया में एक से ज़्यादा सर्कुलर माइट्रोकारडियल डीएनए प्रेजेंट प्रजेंट रह सकते हैं अब मान लीजिए कोई माइट्रोकारडियल में म्यूटेशन हो क्योंकि म्यूटेशन रेट ज़्यादा हाई है हम नॉर्मल जीनोम से इसमें टेन टू पावर सेवेंटीन फोल्ड ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ मेटरनल इनहेरिटेंस भी है तो इसमें जो भी डिजीज या कुछ ऐसे रेयर डिजीज हैं जो कि माइट्रोकारियल में म्यूटेशन के वजह से होता है तो उसी डिजीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि कौन कौन सी डिजीज होते हैं पहला जो डिजीज है एम ई आर पी एफ इसका पूरा नाम है माइक्लोनिक इपिलेप्सी विथ रैग्ड रेड फाइबर्स तो यहाँ पे एक तरह का इपिलेप्सी जैसे कि मिर्गी आता है उस तरह का मिर्गी है लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा रेड फाइबर्स जिसे जगह जगह जो है वो खुरदुरा जैसे स्किन हो जाता है वहाँ पे और जल्दी ठीक नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में तो आपका है एम ई आर आर एफ माइक्लोनिक इपिलेपसी विथ रैग्ड रेड फाइबर लाल लाल दम फाइबर्स हो जाएंगे दूसरा है मेलास मायोपैथी इपिलेप्सी लैक्टिक एसिडोसिस स्ट्रोक लाइक एपिसोड यहाँ जैसे हार्ट अटैक होता उसी तरह से मायोपैथी मतलब आँख में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा इसके साथ साथ एप्लेप्सी जैसे होता है कि मिर्गी आता है लोगों को और लैक्टिक एसिडोसिस की मात्रा बढ़ जाती है लैक्टिक एसिड का और स्ट्रोक जैसे आता है हार्ट अटैक उस तरह का यहाँ पे एपिसोड ज़्यादा होंगे दैट इज कॉल्ड द मेलास मायोपैथिक एप्लेप्सी लैक्टिक एसिडोसिस स्ट्रोक लाइक एपिसोड इसमें तीनों सिम्टम यहाँ पे है मायोपैथी भी है एप्लेप्सिक भी होगा और लैक्टिक एसिड भी होगा जिसकी वजह से स्ट्रोक लाइक सिम्टम डेवलप होंगे इज और ये सभी क्या होते है? सब सब जेनेटिक है इसमें म्यूटेशन होने की वजह से हो रहा है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रोपी मतलब आंख से संबंधित जो बीमारी है वो हो होगा आपका मतलब आपको ब्रेन में ही ज्यादा सब प्रॉब्लम हो रही है केयर्स सेयर आई प्रॉब्लम हार्ट ब्लॉक एटैक्सिया एंड लॉस ऑफ द कोआर्डिनेशन तो इसमें जो है आई प्रॉब्लम है दिखाई नहीं देगा प्रॉपर हर्ट ब्लॉक हो सकता है एटैक्सिया हो सकता है एंड लास्ट ऑफ कोआर्डिनेशन मीन्स वो उसका हाथ पैर सही से पड़ेगा नहीं इधर पड़ेगा या और ले सिंड्रोम ली आई जी एस लेक सिंड्रोम रेयर ये रेयर है बहुत ये सब तो ये भी रेयर ही है सब लेकिन ये ज़्यादा रेयर है रेयर सीवियर ब्रेन डिजीज इन इन्फेंसी और बच्चे में ये बचपन में ही ज़्यादातर डेवलप कर जाता है एंड आल्सो द हार्ट प्रॉब्लम तो ये सब माइट्रोकार डीएनए का जो म्यूटेशन हो रहा है उसके वजह से ये सब डिजीजेज इतने डिजीज हैं जो कि इसके वजह से हो सकता है अब कौन सा आपका उसमें जीन में म्यूटेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सब सिम्टम और ये बहुत ही रेयर डिजीज है और यदि इसको क्योर तो नहीं हो सकता है जो भी कुछ दवाई ववाई चले तो चले लेकिन मेंटली आदमी जो है वो रहेगा हमेशा तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ माइट्रोकार जीनोम तो जीनोम का मोस्ट ऑफ द पार्ट नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ बढ़ाएंगे ओके थैंक्स